नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, ये कंप्यूटर की ATX पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई को वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, यानी वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं, करंट को कैसे कम ज़्यादा करते हैं, इसके बारे में मैंने इसका एक वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा इस SMPS को वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में, इस SMPS में यहाँ पर ये करंट है, इसको कैसे बढ़ाते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, ये स्विचिंग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, SMPS ट्रांसफार्मर। ये हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रांसफार्मर होता है। जो इस SMPS में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम पावर 100 वाट के लगभग इसकी पावर है। तो अपने को पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आउटपुट में कितने वाट की सप्लाई चाहिए, यानी जो आउटपुट में वाट होगा सप्लाई का, वो मैक्सिमम वाट 90 या 100 वाट तक की इसे आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मान लो इस SMPS में 5 वोल्ट की आउटपुट लेनी है तो मैक्सिमम करंट इससे 20 एम्पियर तक ले सकते हैं, और 12 वोल्ट की आउटपुट लेनी है तो लगभग इसमें 8 एम्पियर से 10 एम्पियर तक की सप्लाई ले सकते हैं, और 24 वोल्ट की सप्लाई लेंगे 3-4 एम्पियर तक की सप्लाई ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं इस ट्रांसफार्मर को इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि आउटपुट में 12 वोल्ट की सप्लाई लूँगा और उसी 12 वोल्ट की सप्लाई में करंट को बढ़ाएंगे, और करंट को बढ़ाने के लिए इसकी वाइंडिंग में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले। सभी इसके प्रिंट खाली हो गए हैं और मैं ट्रांसफार्मर को आसानी से निकाल लेता हूँ। ये इसका ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया है और इसको गर्म करके निकाल लेते हैं थोड़ा। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग दो वाइंडिंग आती है, एक ऊपर आती है और एक इसके नीचे आती है। पहले इसको निकाल लेते हैं, जैसे ये लगी हुई है वैसे कि वैसे इसमें वापस भी लगाना है इसको। अब यहाँ पर ये देखें, बीच वाली जो दोनों पिने हैं, ये 3.3 वोल्ट की लाइन है और ये 5 वोल्ट की और ये 12 वोल्ट की लाइन है। इस 12 वोल्ट की लाइन में ही करंट को बढ़ाएंगे, तो इस वाइंडिंग को पहले निकाल लेते हैं। इसमें इस वाइंडिंग के 3 टर्न है, ये डबल वायर है, इसके 3 टर्न है। और अब इसकी ये वाइंडिंग है 5 वोल्ट की और 3 वोल्ट की वाइंडिंग, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं एक बार, पूरे को ही खोल लेते हैं, फिर दोबारा से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको दोबारा से ही वाइंडिंग कर लेते हैं। और ये 5 वोल्ट वाली लाइन है इसकी, तीन ट्रेनी इसके हैं। और ये 3.3 वोल्ट वाली लाइन में 2 ट्रेन है, और इसका वायर भी काफ़ी मोटाई कम है इसकी,
ये इसकी टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग के वायर आ गए हैं। ये 3.3 वोल्ट वाली है और ये 5 वोल्ट वाली है। 5 वोल्ट वाली लाइन में ये 3 वायर है और 3 वोल्ट वाली लाइन में ये 2 वायर है पैरेलल में, और 12 वोल्ट की लाइन में ये 2 वायर है पैरेलल में। अब इसमें एक सेपरेट वाइंडिंग ही करेंगे, वो एक ही वोल्टेज की रेंज होगी, उसको 12 वोल्ट या 14 वोल्ट के लगभग ले लेते हैं। अब इस SMPS में जो सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे वो 1 वोल्ट की वाइंडिंग ही करेंगे, यानी इसको जो वाइंडिंग करेंगे वो 12012 की वाइंडिंग करेंगे। इसके लिए मैं ये 4 वायर ले रहा हूँ पैरेलल के अंदर, और इस वायर का गेज है 24SWG का ये वायर है। और अब मैं इसके 6 टर्न लगा देता हूँ। छह टर्न को क्लॉकवाइज लेंगे और 6 टर्न को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। और इस वाइंडिंग में भी मैं ये 4 वायर ही ले रहा हूं। और इस वाइंडिंग को ऐसे लिया है, तो अब इस वाइंडिंग को ऐसे लेंगे, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई है। ये इसका सेंटर हो गया दोनों वाइंडिंग का, और ये इसकी आउटपुट हो गई, और इसको ग्राउंड कर देंगे। और अब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को वापस कर देते हैं। और अब इसकी सभी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब पहले जो इस SMPS में ये करंट को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस लगा रखी थी, ये 2 रेजिस्टेंस है, इन दोनों रेजिस्टेंसों का टोटल मान मिला करके ये 0.1 ओम की रेजिस्टेंस है। और इसकी जगह पर अब करंट को देखने के लिए यहाँ पर मैं ये 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, यानी इस रेजिस्टेंस से 10 गुना कम मान है इसका। ज़्यादा करंट टेस्ट करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस जल भी सकती है या काफ़ी हीट भी हो सकती है, इसके जगह पर यही लगाएंगे। दोस्तों, अब इस SMPS में यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को लगा दिया है मैंने, और ग्राउंड में एक रेजिस्टेंस भी लगा दी है। इसी से आउटपुट लेंगे, जो ग्राउंड की आउटपुट होगी इस रेजिस्टेंस से ही लेंगे। और आगे मैंने एक वोल्ट एम्पियर मीटर जोड़ दिया है इसकी सप्लाई में। ये पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ पर ये नेगेटिव सप्लाई है। पहले जो इसका वोल्टेज स्केल है उसको टेस्ट करते हैं, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज स्केल कितना पहुँचता है। इसका 24 वोल्ट तक मैक्सिमम स्केल पहुंचता है। मैं इसको 12-13 वोल्टेज पे सेट कर देता हूं, और इसमें एक लोड को कनेक्ट करते हैं। पहले मैं इस लैंप को जलाता हूं, तो इसका करंट है वो 1.7 एम्पियर के लगभग आ रहा है, और वोल्टेज में थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है। और थोड़ा हैवी लोड और देते हैं। हैवी लोड देने के लिए मैं यहाँ पर स्प्रिंग ले रहा हूँ, हीटर की स्प्रिंग, और इसको साथ में जोड़ता हूँ इसके। करंट को मैंने फुल पे कर रखा है, तो थोड़ा करंट को और कम करते हैं तो ऐसे करंट कम हो जाता है। इसे वापस मैं फुल पे कर देता हूँ करंट को, और भी लोड देते हैं इसमें थोड़ा और, तो एक स्प्रिंग और लगाता हूँ मैं।
इसका 9.5 एम्पेयर के लगभग करंट पहुंच रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस SMPS में करंट को भी बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा करंट लेने के लिए इस SMPS में यहाँ पर फैन लगाना पड़ेगा। इसमें 5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर की सप्लाई आराम से इसमें ले सकते हैं, और भी कई उपयोग में इस SMPS को काम में ले सकते हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।